हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मुद्रास्फीति। तो देखिए मुद्रास्फीति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम 10 से 12 वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मुद्रास्फीति क्या होती है, उसके अर्थ की और किस तरीके से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए आमतौर पर जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है, ऐसा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। और भी कई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में जो निरंतर वृद्धि होती रहती है उसको मुद्रास्फीति कहा। हालांकि हमेशा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कीमत में वृद्धि नहीं लाती है, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो मुद्रा की पूर्ति जो है वो कीमतों को नहीं बढ़ाएगी बल्कि उत्पादन और रोजगार के स्तर को बढ़ाएगी। इसी प्रकार कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि मुद्रा जो स्फीति है वो उसका उन्होंने संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम मुद्रा पूर्ति के अर्थ को मुद्रा स्फीति के अर्थ को समझना चाहें जिसको कि इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो देखिए मुद्रा स्फीति या इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, यह उस स्थिति को व्यक्त करता है जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि यानी कि जो कीमत है जनरल प्राइस लेवल है वो लगातार इंक्रीज की तरफ जा रहा है। अगर सामान्य कीमत स्तर में कभी कभार वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहते। एक लंबे समय तक अगर कीमतें जनरल प्राइस लेवल अर्थव्यवस्था में बढ़ता रहता है, लगातार इंक्रीज होता रहता है, तो इस स्थिति को बच्चों मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। और इसकी वजह से जो मुद्रा का मूल्य है वो घट जाता है। अब देखिए पूरे कंसेप्ट को समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लीजिए किसी कमोडिटी का जो जनरल प्राइस है वो 10 रुपये है, मान लीजिए 10 रुपये प्राइस है, तो मूल्य कितना होगा मुद्रा का। मुद्रा का मूल्य का फॉर्मूला है 1/P, यानी कि ये हो गया 1/10। तो मुद्रास्फीति उस स्थिति की ओर इंगित करती है जब लगातार कीमतों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब वृद्धि कितनी भी हो सकती है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, यानी कि हम वृद्धि के क्रम की बात कर रहे हैं कि लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस स्थिति में आप देखिएगा कि मुद्रा का जो मूल्य है वो लगातार घट रहा है, तो इस स्थिति को बच्चा मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतों में लगातार वृद्धि होते रहना जिसकी वजह से मुद्रा का मूल्य लगातार घट जाए। और अनेक अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका मानना है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की वजह से ही मुद्रास्फीति आती है, लेकिन कई अर्थशास्त्री इससे भिन्न भी विचार रखते हैं। तो ये बच्चों कंसेप्ट है मुद्रास्फीति का, मतलब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से कीमत स्तर में निरंतर जो वृद्धि होती रहती है उसकी वजह से जो मुद्रा का मूल्य घटता है उस पूरी की पूरी स्थिति को मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। अब केंज ने इसमें नई बात जोड़ दी। केंज ने कहा कि मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, एक आंशिक मुद्रास्फीति और दूसरी पूर्ण मुद्रास्फीति। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं पहुंची है, तो अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं पहुंची है उस स्थिति में अगर आप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने से उत्पादन में भी वृद्धि होगी और रोजगार में भी वृद्धि होगी, ठीक है, क्योंकि मुद्रा पूर्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी। मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। कि अगर मान लीजिए हम एग्रीगेट सप्लाई को इस तरीके का मान लेते हैं, ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से डिमांड बढ़ती है तो इस स्थिति में आप देखिए उत्पादन और रोजगार का स्तर भी बढ़ रहा है और कीमत स्तर भी बढ़ रही है। इस स्थिति को उन्होंने कहा आंशिक स्फीति, या आप कह सकते हो आंशिक स्फीति का मतलब है जब पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले ही अगर आप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हो या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हो तो मुद्रा की मात्रा का एक भाग तो रोजगार को बढ़ाने में लग जाएगा और दूसरा भाग जो है वो उत्पादन लागत को बढ़ाकर कीमतों को बढ़ाएगा। तो जो भाग उत्पादन में लगा है, उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, वो कीमतों को कम बढ़ने देगा, जिसकी वजह से केंज ने इसको आंशिक स्फीति कहा। पूर्ण स्फीति उस स्थिति को कहते हैं बच्चों जिसमें रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति में आप आ जाते हो। पूर्ण रोजगार मतलब इस तरीके से आप आ गए एग्रीगेट सप्लाई, और पूर्ण रोजगार की स्थिति में अगर आपकी मांग बढ़ती है तो उत्पादन में ही वृद्धि देखने को मिलेगी
बेसिक कंसेप्ट तो बच्चों यही है कि इस स्थिति में केवल उत्पादन ही बढ़ेगा और किसी चीज़ में वृद्धि नहीं होगी, सॉरी रोजगार में वृद्धि नहीं होगी, केवल कीमत में वृद्धि होगी। यानी कि आंशिक स्फीति की स्थिति में पूर्ण रोजगार से पहले की होती है जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार उत्पादन एक ही बेस पर लेते हैं, और कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसको आंशिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लेती है उस स्थिति में भी अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो केवल और केवल कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी, उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। कई बार मुद्रा स्फीति को और मुद्रा स्फीति की दर को समानार्थी मान लिया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि मुद्रा स्फीति और मुद्रा स्फीति की दर दोनों समानार्थी नहीं है। देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी। प्राइस है हमारा 10 रुपये था, चलिए एक्स नहीं लेते ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा वीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। और जो प्राइस लेवल है पहले 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, ठीक है, फिर 18 हो गया मान लीजिए। तो इस स्थिति में मुद्रा स्फीति की दर कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मान लीजिए मुद्रा स्फीति की दर 100% है, यहां पे हम सॉरी 100 ये ले लो या पॉइंट वाइज ले लो, ठीक है। पीटी यानी कि करंट ईयर का प्राइस या करंट प्राइस माइनस बेस प्राइस इनटू करंट प्राइस यानी पिछला प्राइस, सॉरी बेस नहीं पिछला प्राइस। तो इसका मतलब 10/10/10। तो इस स्थिति में किसी प्रकार की इन्फ्लेशन नहीं है क्योंकि ये तो बेस है हमारा। अगर हम बात करें बच्चों इस स्थिति की, तो कीमत में 5 का परिवर्तन हुआ है और बेस में प्राइस 10 थी, यानी कि 15-10 करना था। इस केस में जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 0.5 हो गई, यानी कि 50% जो है आप लिख सकते हो कि 50% के जो रेट है उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरी स्थिति की बात करें बच्चों, तो इस स्थिति में कीमतें 5 ही बढ़ी लेकिन 15 रुपये हो गई, मतलब बेस जो है वो 15 है ना, 20-15/15, हमारा फार्मूला ये वाला लगता है ना, तो हम इसको लगाएंगे ना ऐसे 20-15/15। तो इस केस में 5 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो गिर गया। यानी कि यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, इसको हटा देते हैं, जो हमें बेसिक कंसेप्ट बताना है वो ये है कि इस स्थिति में मुद्रा स्फीति कहलाएगी, मुद्रा स्फीति कहलाएगी क्योंकि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं लेकिन मुद्रा स्फीति की दर घट गई है। यानी कि मुद्रा स्फीति का मतलब क्या है कि कीमतें तो लगातार बढ़ रही हैं लेकिन इस स्थिति में मुद्रा स्फीति की दर का मतलब है जो कीमतें बढ़ने की स्पीड है वो घट गई है। तो कई बार बच्चों मैंने आपको पिछली इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में भी यही बताया है, हिंदी में भी आपको यही बता रहा हूं कि इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आखिरकार सरकार कहती है कि देखिए मुद्रा स्फीति की दर में लगातार कमी दिखने को मिल रही है लेकिन कीमतें बाजार में आप जाते हो तो कीमतें अभी भी महंगी मिलती हैं, ऐसा क्यों है? तो बच्चों मुद्रा स्फीति की दर का मतलब कीमतों में कमी का नहीं होता, मुद्रा स्फीति की दर का में कमी का मतलब है कीमत की जो बढ़ने की स्पीड है वो गिर गई है। तो यहाँ पे बच्चों मुद्रा स्फीति की जो दर है यानी कि मुद्रा स्फीति की दर में कमी होने पर भी कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो कीमतें लगातार देखिए बढ़ रही हैं जबकि मुद्रा स्फीति की दर में कमी हो गई है। बच्चों बात करें अगर मुद्रा स्फीति के माप की, तो 3 तरीके से मुद्रा स्फीति को माप सकते हैं, थोक कीमत, थोक मूल्य कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और GNP डिफ्लेटर। भारत में बड़े पैमाने पर थोक मूल्य कीमत सूचकांक का यूज होता है, हालांकि 2009-10 के बाद इंडिया में उपभोक्ता कीमत सूचकांक की भी बात की गई। और अगर आप देखोगे वर्तमान समय में तो जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके लिए जो सूचकांक निकाला जाता है वो औद्योगिक कीमत सूचकांक के आधार पर ही निकाला जाता है। तो भारत में ब्रॉडली ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, हालांकि बहुत सारे देशों में GDP डिफ्लेटर का भी यूज़ करते हैं। तो थोक कीमत सूचकांक में क्या होता है कि जो थोक बाजार है उसमें कीमतों में जो सापेक्षिक परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए क्या होता है कि एक बास्केट बनी हुई है जिसमें अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग
उनके महत्व के हिसाब से भार दिया जाता है। तो बच्चों थोक मूल्य कीमत सूचकांक के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे स्टैटिक्स में, जिसमें हम आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं वो बता देंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि थोक मूल्य कीमत सूचकांक में वस्तुओं को उनकी महत्व के हिसाब से भार दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि पिछले वीक की तुलना में इस वीक में जो कीमतें हैं उसमें कितना सापेक्षिक परिवर्तन हुआ है। इसी तरीके से बच्चों उपभोक्ता कीमत सूचकांक है, लेकिन उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसी विशेष वर्ग के लिए बनाया जाता है, और उस विशेष वर्ग के लिए अलग अलग कमोडिटी अलग अलग बास्केट यूज की जाती है, और ये भी कीमतों में सापेक्षिक परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो कीमत ली जाती है वो रिटेलर ली जाती है। इसके अलावा जो GDP डिफ्लेटर है, तो GDP डिफ्लेटर जो है उसको उसका फार्मूला हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नॉमिनल GDP अपॉन वास्तविक GDP इन 100। तो बच्चों ये इस तरीके से हमारा कंसेप्ट है, यानी कि भारत में अगर हम बात करें GDP की गणना किस तरीके से की जाती है, सॉरी स्फीति की गणना किस तरीके से की जाती है, तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में थोक मूल्य कीमत सूचकांक की यूज़ होता है। अब वर्तमान में जो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है उसका भी चलन लगातार बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक के बारे में थोड़ा डिटेल और समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको थोक सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति का संकेतक है थोक मूल्य सूचकांक। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एक विभाग होता है, आर्थिक सलाहकार, वो इसको तैयार करता है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री से पहले बिंदु पर किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल किए जाने के, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल का जो पॉइंट होता है उस पर जो प्राइस होता है उसको शामिल करते हैं। इस सूचकांक का सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता के थोक मूल्य के उत्पादन को नहीं खरीदती, मतलब कि उत्पादन को शामिल नहीं करती, उत्पाद को नहीं, जो मूल्य पर उपभोक्ता खरीदता है उसे शामिल नहीं करते। वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI यानी कि ऑल इंडिया होल प्राइस इंडेक्स का जो आधार है वो 2004-05 से हटाकर 2011-12 कर दिया गया। इसके अलावा जो उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है या खुदरा खरीदारी यानी कि जो रिटेल में हम खरीदारी करते हैं उसके मूल्य को परिवर्तन को मापता है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों, उपभोक्ता की जो जितना उपभोक्ता खर्च कर रहा है पारिवारिक समूह मेथड पे, पारिवारिक समूह पे उसको शामिल करते हैं, और इसमें चार होते हैं, मतलब चार इंडेक्स बनाते हैं हम। एक तो औद्योगिक श्रमिकों का इंडेक्स जिसको हम इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI बोलते हैं, कृषि मजदूरी के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, और CPI जो है वो शहरी और ग्रामीण और सहित अलग अलग बनाते हैं। तो बच्चों CPI बनाने का जो काम है, जो ऊपर के तीन इंडिकेटर हैं वो तो बनाता है लेबर ब्यूरो, और जो लास्ट इंडिकेटर है जो कि ग्रामीण शहरी और संयुक्त रूप से बनाया जाता है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के अंतर्गत एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का काम है इसे करना। और जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका आधार वर्ष 2012 है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।